औषधीय गुणों का भंडार, सेहत का खजाना और रसीला रसीला गुलाब जामुन जैसा आंवले का मुरब्बा किसे खाना पसंद नहीं होता। सभी को बहुत अच्छा लगता है और इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत कुछ होता है। विटामिन सी तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसे एक बार बना के रख लीजिए, सालों साल ये चलता है, एक साल तो क्या ये 4-5 साल तक भी ख़राब नहीं होता है अगर इसे सही ढंग से बनाया जाए। तो चलिए इस रसीले रसीले गुलाब जामुन जैसे आंवले के मुरब्बे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए लिया है हमने 500 ग्राम आंवला। तो आंवला लेते समय आपको ध्यान रखना है कि मुरब्बा के लिए जो भी आंवला ले वो बड़े साइज़ का हो और उसमें बिल्कुल भी कटा पिटा दाग धब्बे ना हो, मतलब कोई सड़ा गला ना हो। अगर कोई भी आंवला ख़राब है तो आप उसको निकाल दीजिए। कुछ हल्के फुल्के दाग धब्बे आंवला पे होते हैं तो ऐसे नहीं, लेकिन अगर कहीं से कटे पिटे हैं या कुछ ख़राब है तो आप उसको हटा दीजिए। ऐसे आंवला आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि छोटे आंवले का मुरब्बा नहीं बनता है, छोटे आंवले का भी मुरब्बा वैसा ही बनता है, टेस्ट में भी वैसा ही होता है, लेकिन जो बड़ा आंवला होता है उसमें गूदा ज़्यादा होता है और उसको प्रिक करने में काफ़ी आसानी होती है, तो इसलिए बड़े आंवले का मुरब्बा बनाने में ज़्यादा सुविधा होती है। इससे पहले भी हमने आपके साथ आंवले का मुरब्बा, आंवले की लौंजी जो साल भर तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, और आंवले का अचार, इस तरह से कई रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप सब ने उसको पसंद भी किया है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के आप इन रेसिपी को देख सकते हैं। हम इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अब इसे करना है हमें बॉयल। तो हमने गैस पर पहले से ही एक भगोने में पानी रख दिया था और ये बॉयल होने लगा है, तो सारे आंवले इसमें डाल के हम 4 से 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। इसको हमें 80% तक पकाना है और थोड़ी देर के लिए हमने ढक दिया है और ढकने के बाद हम फिर से इसको चला देते हैं। आप इसको छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आंवला हमारा ज़्यादा पक जाएगा, फिर मुरब्बा हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसको हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे और हमने इसको फिर से ढक दिया है। तो अब इसकी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर तक इसको हम ढक के इसी में पड़ा रहने देते हैं, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। आपको फॉक लेना है और फॉक को ऐसे आंवले के अंदर तक घुसा के देखना है। अगर ये बीज तक जा रहा है तो इसका मतलब आंवला आपका अच्छे से पक गया है। तो आंवला हमारे अच्छे से पक गए हैं, अब इसको हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं। ये जो पानी बचा है इसका, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, इसको आप फेंकिएगा नहीं। आप सब्जी बनाने में या फिर आप ऐसे इसको जूस की तरह नमक या चीनी डाल के आप इसको पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो सारे आंवला को हमने एक थाली में निकाल लिया है और आंवला ठंडे हो गए हैं, अब इसको हम प्रिक कर लेते हैं। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, तो किसी फॉग से या फिर आप जो आंवला प्रिकर आता है मार्केट में, आप उससे भी इसको प्रिक कर सकते हैं, और एकदम गुठली तक इसका फॉग जाना चाहिए, इतना आपको प्रिक करना है। जितना ही पास पास आंवला को हम प्रिक करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मुरब्बा बनेगा। तो बॉयल करने से पहले अगर हम आंवला को प्रिक करते तो उसको प्रिक करने में काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम ऐसे बॉयल करने के बाद जब इसको हम प्रिक करते हैं, यानी कि गूंथते हैं, तो आंवला हमारा जो है बहुत ही आसानी से गूंथ जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस काम को करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये देखिए, हमने सारे आंवला को बहुत ही अच्छे से प्रिक कर लिया है। पास पास करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितना बढ़िया आंवला प्रिक होगा उतना अच्छा आपका मुरब्बा बनेगा। तो इसको बनाने के लिए लिया है हमने एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का भगोना लिया है, जिससे चलाने में आसानी रहे, और थोड़ा सा पेंदी जो है इसकी वो भी मोटे तले की है। तो यहाँ पे दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना हमें आंवला लेना है उतनी ही हमें चीनी डालनी है। आप चीनी की मात्रा को थोड़ी बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हम चाशनी होती है वो थोड़ी ज़्यादा बनाते हैं। चीनी में आंवला को अच्छे से ऐसे टॉस करके मिला दिया है और अब गैस पे हम रख देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम सिम पे कर देते हैं, यानी जो सिम वाली, जो धीमी वाली गैस होती है ना, उसमें भी हमने सिम पे रखा है, और 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। पानी हम इसलिए डाल देंगे जिससे जो चीनी है वो भगोने की तली में लगे ना। इस समय हम इसको लगातार चलाएंगे,
क्योंकि चीनी अभी गली नहीं है, तो जब तक चीनी गल ना जाए तब तक हमें इसे लगातार चलाना है और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे तो जो चीनी है वो तली में लग जाएगी, जो मुरब्बे का कलर है वो काफ़ी लाल हो जाएगा और आंवला हमारा अंदर से अच्छी तरीके से पक भी नहीं पाएगा। तो ये देखिए चीनी धीरे धीरे से मेल्ट होने लगी है, इसमें कोई ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही चीनी मेल्ट होती है आंवला भी अपना जूस रिलीज़ करते हैं और चीनी को मेल्ट करने में सहायता देते हैं। तो अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए हमने 3-4 इलायची को कूट के इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने छिलका सहित ही डाला है, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का वो भी इसमें डाल दिया है, तो इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। बाकी के जो कुछ मसाले हैं वो हम आंवला का मुरब्बा बनने के बाद डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और वीडियो हमारा थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आंवले का मुरब्बा पकाने में काफ़ी समय लगता है, तो जब चीनी मेल्ट हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ के जा भी सकते हैं, लेकिन जब तक मेल्ट नहीं होती है आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया से मुरब्बा हमारा पक गया है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आपको जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तब तक पकाना है, तो चाशनी को हम इस तरीके से हाथ पे लेकर के चेक कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें अच्छे से तार बनने लगा है, तो बस इतना ही देर तक हमको पकाना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ठंडा हो जाने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद हम आपसे मिलेंगे। ये देखिए आंवले एकदम ठंडे हो गए हैं और ये देखिए एकदम गुलाब जामुन की तरह रसीले रसीले, एकदम जो माँ के हाथ का स्वाद होता है ना, दादी नानी हमारी बनाती थी ना, वैसा ही मुरब्बा ये झटपट बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए अंदर तक एकदम पका हुआ है और आपको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं कि गुठली एकदम अलग हो गई है और इसके जो पीसेज हैं वो एकदम अलग हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 चम्मच काला नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच पीसी हुई सफ़ेद काली मिर्च डाली है। सफ़ेद काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारे दिमाग को भी तेज़ करती है। तो आप डालना चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सफ़ेद मिर्च का प्रयोग किया है। और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिला दिया है। ये मसाले बहुत ही ज़्यादा आंवले के मुरब्बा को स्वादिष्ट कर देते हैं। इसी साफ जार में भर करके रख दीजिए, साल भर तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आंवले का मुरब्बा अच्छे से पका होगा तो आपका साल भर क्या, आपका 5 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी चाशनी है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो, बहुत पतली होगी तो मुरब्बा आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो जो जूस होगा वो आंवले के अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए चाशनी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आंवला एकदम अच्छे से पका होना चाहिए, तब ये मुरब्बा आपका बहुत दिनों तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो गाइज़ अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।